हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या चल, आई होप अच्छे होंगे। तो मेरे भाई, लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा ही होगा, हमारे प्यारे ट्रेवर भाई अब हमारे बीच में नहीं रहे। तो माइकल ने फैसला किया है भाई कि अब मैं प्रेसिडेंट बिल्कुल नहीं बनूंगा, क्योंकि अगर मैं प्रेसिडेंट होते हुए भी अपने दोस्तों को नहीं बचा पाया तो कोई फायदा नहीं है ऐसी पावर का। तो अभी माइकल जो बनने वाला है वो शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनेगा और भाई हर एक बंदे को फिट कर देगा जो कोई भी इनके खिलाफ बोलेगा। सीधा भाई देखते ही गोली, बिल्कुल भी चांस नहीं लिया जाएगा आगे का, आगे के लिए बंदे को नहीं छोड़ा जाएगा। अभी भाई पूरे शहर को हम ठोक पीट के सीधा कर देंगे, चाहे वो लॉस्ट गैंग हो चाहे वो बाला वाले हो, क्योंकि अभी हम सबसे खतरनाक गैंगस्टर बनने वाले हैं शहर के। प्रेसिडेंट बन के देख लिया, कुछ फायदा नहीं होता। अभी भाई हमने अपने दोस्त खो दिया है प्रेसिडेंट बनने के बाद, तो अभी ऐसा दूसरा काम हम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी फ्रैंकलिन बचा हुआ है और लेस्टर, बाकी इन बंदों को भी हम नहीं खोना चाहते, क्योंकि प्रेसिडेंट बनकर हम कुछ नहीं कर सकते, बट एक गैंगस्टर बन के हम सब कुछ कर सकते हैं और बंदे डरेंगे भी। भाई गैंगस्टर से हर कोई डरता है। तो भाइयों, मैंने अभी मीटिंग रखवाई है बहुत ही बड़ी, उसमें सभी न्यूज चैनल वाले आने वाले हैं, तो मैं वहां पर जाकर के सभी के सामने रिजाइन करूंगा। भाइयों, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करके उस कॉल पर सेट कर दो। तो भाइयों, अगर तक आपने मेरे फर्स्ट चैनल को चेकआउट नहीं किया तो बाद में जाकर के उसको चेकआउट कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर जीटी की वीडियो डालता हूं और इसका नेक्स्ट पार्ट सुबह 11 बजे कल उसी पर आने वाला है, तो जाकर उसको चेकआउट कर लो। तो भाइयों, इस वीडियो के लाइक से हम रखेंगे 10,000, तो उसका पूरा करा देना कि पहुंचता हूं मैं जगह पे। तो भाइयों, मैं जगह पर पहुंच चुका हूं, सभी मेरा वेट कर रहे हैं, पूरे शहर के न्यूज वाले यहां पर है। तो आ गए माइकल दादा। अभी पता नहीं भाई ये सोच रहे होंगे कि माइकल जी क्या अनाउंस करेंगे, अपने फ्रेंड की डेथ के बारे में बताएंगे, बट ऐसा यहाँ पे माइकल जी कुछ नहीं करने वाले। जो हो गया सो हो गया, अभी आगे जो होने वाला है आप लोग सोचेंगे नहीं अभी। तो भाइयों, मैंने सब कुछ बता दिया है कि आगे से कोई अगर हमारे रास्ते में आया, चाहे वो पुलिस वाला हो चाहे कोई भी हो, वो जिंदा बच के वापस नहीं जाने वाला। मैंने सभी के सामने भाइयों रिजाइन कर दिया है, अभी ये शोक में है कि ऐसा माइकल जी ने क्यों कर दिया, कर दिया तो कर दिया। मेरे भाइयों, अभी फटाफट से हम यहाँ से निकलते हैं और सबसे बड़े क्राइम करने शुरू करते हैं शहर में, क्योंकि थोड़ा अपना भाई प्रेशर बनाना है। अब काफी दिन से शरीफों की जिंदगी जीते जीते ना सब भूल गए थे, हमारे नाम से डरना बंद कर दिए थे, तभी तो 2-2 रुपए के आदमी मिस्टर हेड जैसे बंदे हमें मारने के लिए आ गए। अबे मेरे भाई, हेड कुछ था क्या? वो बंदा कुछ नहीं था भाई, बस वक्त खराब था भाई, इसलिए उसने भी ऐसा काम कर दिया, नहीं तो ऐसे ऐसे बंदों को तो हम भाई सुबह नाश्ते में मार देते हैं, पता भी नहीं चलता। अभी देख काम करते हैं, लेस्टर से पूछता हूँ कि लेस्टर मेरे भाई, मुझे सबसे बड़े क्रिमिनल की खबर दे शहर में जो है, क्योंकि मुझे उससे काम लेने बहुत ही ज़्यादा। तो अभी लेस्टर बाबा को फ़ोन मिलाते हैं कि लेस्टर बाबा, शहर का सबसे बड़े क्रिमिनल का पता लगा और बता मेरे को कौन है, वो कहाँ पर है। भाई लेस्टर से बात हो चुकी है, फिलहाल जो सबसे बड़े शहर का क्रिमिनल जिंदा है वो अभी जेल में है, उसका नाम है निक, तो उसको छुड़ा करके मैं अभी लाऊंगा। लेस्टर ने बोला है कि उसको तो भाई फांसी की सजा दे के रखी हुई है, उसको कभी फांसी के ऑर्डर्स आ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, हम जा करके छुड़ाएंगे, देखे किसमें दम उसको फांसी देने का। तो पहुंचते हैं भाई ये जेल में और हमारे प्यारे निक को छुड़ा करके लाते हैं। बहुत बड़ा मर्डरर है भाई वो, उसने 500 मर्डर से ऊपर करके रखे हैं, तो वो बहुत मेरे काम आने वाला है, अभी ऐसे से बंदे ही हमारे काम आएंगे। तो पहुंचता हूँ जेल में, उसको छुड़ा करके लाता हूँ। भाइयों, मैं जेल में पहुंच चुका हूँ, अपने शहर की सबसे बड़ी वाली जेल यही है, यहाँ पे सारे के सारे तगड़े वाले क्रिमिनल्स को रखा जाता है, नहीं तो छोटे मोटे क्रिमिनल्स जो होते हैं वो तो अपने जेल के लॉकअप में ही बंद रहते हैं। हेलो हेलो हेलो, माइकल चाचा आ गए हैं। हेलो बेटे, जेलर है ना तू? तू वो ये ना जो ड्राइवर की हेल्प किया करता था, अभी हेल्प की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू जिसकी हेल्प करता था ना वो बंदा है ही नहीं, अब बेटे माइकल है, और माइकल नहीं छोड़ने वाला किसी को भी, चाहे कोई भी हो। हेलो बेटे, ये ले, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, चल निकल निकल निकल, आगे ले ले आगे ले ले। तो भाइयों, एक बात आप और सोच रहे होंगे कि यार टाइम मशीन तो है हमारे पास, हम ड्राइवर को वापस क्यों नहीं लेकर आ सकते। टाइम मशीन के बारे में सिर्फ लेस्टर को, ड्राइवर को ही पता था, ड्राइवर मर चुका है, माइकल को और फ्रैंकलिन को आज तक कभी टाइम मशीन के बारे में नहीं पता, तो इसको क्या पता भाई टाइम मशीन चीज क्या है। हेलो हेलो हेलो, अबे कैसी फटी हुई जेल है, यहाँ पे कोई बंदा नहीं रहता क्या? कमाल है भाई, 3-4 गार्ड्स खड़े करके रखे थे मेन गेट पे, कोई भी नहीं है, तो इसको निक को तो छुड़ाना बहुत आसान हो गया। अबे पुलिस वाले, गाड़ी खड़ी है पुलिस वाला, दिखाई नहीं दे रहा कहीं पे। हेलो हेलो हेलो, कोई है क्या मेरा भाई? ओहो, एक बंदा दिखा, आ जा नीचे। हेलो बेटे, मरा नहीं अभी भी, अब मर गया। चलो भाई, ये फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते, अभी निक को ढूंढते और निक को छुड़ा करके लाता हूँ। भाई निक दादा आ चुके हैं, कमाल का बंदा लग रहा है मेरे को शक्ल से ही, भाई बहुत खतरनाक बंदा है, मैंने निक को छुड़ा लिया। आ जाओ, कितने पुलिस वाले आएंगे, आ जाओ। वैसे ये जेल बहुत अच्छी है, यहाँ पे पुलिस वालों को आने बहुत टाइम लगता है, क्योंकि भाई ये डेजर्ट के बीच में है, शहर से पुलिस आती है और डेजर्ट का भी जो पुलिस स्टेशन है वो भी बहुत दूर है, तो जब तक भाई आप कुछ भी कर सकते हो आपको कम से कम 5 मिनट का टाइम मिलता है इस जेल में। भाई यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पे पुलिस नहीं रहती, बैकअप कम है बंदा के पास। ये ले बेटे, अबे शर्म करो शर्म, अब माइकल शरीफ नहीं रहा, सभी को मरना, तो आ जाओ, सभी खत्म होने वाले हो अभी तो, क्योंकि भाई ड्राइवर की मौत ने हमारे प्यारे माइकल को पागल सा कर दिया है। पता नहीं यार, मैंने सोचा नहीं था कि इतना प्यार करता है ड्राइवर को माइकल, आज पता चल गया। फटाफट से हम यहाँ से निकलते हैं, इनको मारने का कोई फायदा नहीं है, हमारा मेन काम था निक को जेल से छुड़ाना, हमने निक को छुड़ा लिया है। अभी अपनी ऐसी गैंग बनाऊंगा ना पूरे शहर में, किसी की गैंग नहीं होने वाली, निक
500 मर्डर से ऊपर करने वाला बंदा, अब ये बहुत सारे काम मेरे को बता सकता है और ये और भी ज्यादा क्रिमिनल्स के बारे में मेरे को बताएगा कि शहर में और भी कहां कहां पे बड़े बड़े क्रिमिनल्स बंद हैं, उनको छुड़ा करके लाएंगे, फिर शहर में भाई रोबरी करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, अभी तो कुछ सोचा नहीं मैंने, बट बहुत तगड़े तगड़े काम करने वाले हैं। फिलहाल तो इन पुलिस वालों की कमर तोड़ेंगे, ये ले बेटे बच गया, कोई बात नहीं, अभी तो बच गया, आगे नहीं बचेगा, बाइक वाला जा रहा है मारेंगे, आजा बेटे खा ले बेटे, आया मजा, ओके चलो भाई आगे निकलते, पुलिस को गोली देने का रास्ता पहाड़ पे चढ़ जाता हूँ, एक काम करता हूँ कर्नल में पहुंचता हूँ किसी और पुलिस को गोली देता हूँ। ओके भाइयों पुलिस जा चुकी है, अभी मैं आपको काम बताता हूँ। मैंने सोचा है कि भाई हमारे शहर में आपको पता है ऑक्शन होते रहते हैं कार्स के, महंगी महंगी कार्स के ऑक्शन होते रहते हैं, तो वहां पे जाता हूँ और सभी कार्स को खत्म करता हूँ, ऑक्शन जो कर रहे हैं उनको मारता हूँ, जो गाड़ी लेने आ रहे हैं उनको मारूंगा, इससे क्या होगा शहर में प्रेशर बनेगा हमारा कि इतने महंगे महंगे बंदों को मैंने मार दिया है, वो भी भाई स्पॉट पे ही और पुलिस ने कुछ भी नहीं किया, तो तभी तो भाई प्रेशर बनेगा ना। अभी चलता हूँ फटाफट से लेस्टर को फोन करता हूँ कि लेस्टर मेरे भाई शहर में पता लगा कि सबसे ज्यादा महंगी गाड़ियां कहाँ पे बिक रही है और कौन कौन बंदे को खरीदने के लिए आ रहे हैं। तो भाई लेस्टर से बात हो चुकी है, हमारे शहर में आज दो ऑक्शन हो रहे हैं तो दोनों जगह पे चलते हैं, पहले पहली पे जाऊंगा फिर दूसरे पे चलेंगे, तो पहुंचता हूँ पहली वाली पे। भाई हम जगह पर पहुंच चुके हैं, देखो तुसी कितने प्यार से ऑक्शन हो रहा है यहाँ पे यार, इतने सारे बंदे आकर के रखे हैं, अभी करता हूँ इनका इलाज, देखो तुसी अरे मेरे भाइयों थोड़ा तो डरो, माइकल का गुस्सा कुछ नहीं भाई, बंदे डरनी है तो इसलिए तो डर पैदा करना है इनके उसमें। तो भाई कपड़े कैसे लगे, हमने कपड़े चेंज कर दिए, ग्लव्स देखो, अभी मेरे प्यारे माइक जल्दी से गन निकाल दे, देख मैंने गाड़ी में तेरे लिए मिनी गन रखी है, जल्दी निकाल आ जा जल्दी से और करते हैं बंदों का इलाज। प्यारे प्यारे भाइयों गोली खाने के लिए तैयार हो, ये लो भाई सभी को मिलेगा, किसी में फर्क नहीं करेंगे, कैसे खड़ा चाचा कॉफी पी रहा है यहाँ पे, गोलियां चल रही है, अरे रे रे कैसे कैसे भाग रहे हैं, देखो 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 देखो, अले ले ले प्याले प्याले बच्चे, अले भागो 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 भागो, कोई नहीं बचेगा कोई नहीं बचेगा। अभी माइकल का दिमाग हो चुका है खराब ड्राइवर की मौत की वजह से, किसी को भी नहीं छोड़ेगा। तो भाई अभी माइकल ना सबसे बड़ा गैंगस्टर बनने वाला है, शहर का मजा आ जाएगा। वैसे प्रेजिडेंट बनने के बाद इसने भाई कुछ नहीं किया, कुछ भी एक सिंगल काम भी नहीं किया मेरे भाई माइक, बस बस कंट्रोल कर, तो अब ना भाई ये बट सब कुछ करेगा। चाचा एक काम करो गन वन छोड़ो, अब मैं निकालता हूँ आराम से अपनी एलियन गन, तुम इधर आ जाओ नहीं तो तुम्हारा हिसाब खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो भाइयों अभी करते हैं हिसाब, ये बैठे हो भाई 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 भाई, इनकी गाड़ी को भी तो खत्म करना था ना, क्योंकि इनकी गाड़ी जब तक खत्म नहीं होगी तो भाई ये बंदे हमारा खौफ कैसे खाएंगे, इनका खौफ होना चाहिए माइकल दादा का, इतना खौफ होना चाहिए कि जिस गली से माइकल गुजर जाए लोग भाई वहां पे कार भी लेके ना आना पसंद करे, समझ रहे हो, इतना डर फैलाऊंगा मैं शहर में भी माइकल का। तो भाई ये मैं दूसरे वाले ऑक्शन में पहुंच चुका हूँ, यहाँ तक कुछ ज्यादा ही महंगी महंगी गाड़ियां, देखो भाई ये वाला तगड़ा ऑक्शन है, पहले वाले में तो इतना दम नहीं था बट ये वाला तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है, आप लोग देखो तो भाई कितनी तगड़ी तगड़ी गाड़ियां है। भाई लालच नहीं करना आपकी बार कार के ऊपर, अपना भाई उसूल नहीं बदलने, तो अभी एक काम करता हूँ चलो भाई स्टार्टिंग से चलते हैं और बंदो करते हैं फिनिश। भाई गाड़ियां तो हम बहुत सारी ले लेंगे, अभी गैंगस्टर बनना हमारा मेन मोटिव है, क्योंकि ड्राइवर भाई चला गया है, अभी माइकल ना सभी का पिट कर देगा, आ जा आ जा जल्दी जल्दी, एलियन गन आने वाली है, लो बेटो भाई सो सच में देखो हवा की सैर कर रहे हैं, आराम से आराम से आराम से आराम से, ये डीजे वाले बाबू मेरा गाना तो बजा दे जरा, कहाँ निकल गया, अले ले डीजे वाले बाबू तो भाई निकल गए पतली गली से। हाँ भाई कार के ऑक्शन हो रहे हैं, महंगे महंगे आदमी आके यहाँ पे पार्टी चल रही है पार्टी। तो भाई ये वाला ऑक्शन भी मैंने खत्म कर दिया, अभी माइकल का पूरा प्रेशर, और देखो पुलिस भी नहीं आ रही, इसका मतलब पुलिस भी डर गई भाई, अभी डरेगी भाई, डरना पड़ेगा। आजा बैठ जा फटाफट से, अभी लेस्टर से बाकी काम के लिए पूछते हैं भाई के बाकी काम क्या करा जाए, क्योंकि भाई अभी और भी प्रेशर बनाना है शहर में, ऐसा नहीं पूरा भाई बनना है तो तगड़ा गुंडा बनेंगे, छोटा मोटा गुंडा बनने से कोई फायदा नहीं है। लेस्टर बाबा और कुछ है करने को बता मेरे को फटाफट से, करने के लिए चलते हैं। भाई लेस्टर ने मेरे को बता दिया, लेस्टर बोल रहा है कि मेज बैंक वाले बंदे को जाकर के मार दो, उसकी बहुत ही ज्यादा पावर है पूरे शहर में, जब तुम उसको मारोगे तो लोगों के बिजनेस भाई बंद हो जाएंगे, क्योंकि उसके साथ बहुत बड़े बड़े बंदे बिजनेस करते हैं। तो यार सही आइडिया दिया उसने, तभी पहुंचता हूँ फटाफट से मेज बैंक वाले बंदे को, बता दूं कि मेरे भाई मैं तेरे को मारने के लिए आ रहा हूँ, जितनी ज्यादा सिक्योरिटी तुझे लगानी हो अपनी जान बचाने के लिए लगा ले, तेरे को मारूंगा उनको भी मारूंगा मजा आएगा। तो भाई पहुंचता हूँ फटाफट से मेज बैंक वाले बंदे के पास। तो भाई मैं जगह पर आ चुका और मैंने को छोड़ दिया है क्योंकि उसको कहीं पे काम आ गया था। अरे कहां पर है भाई, ओहो पीछे है, मैं तो भूल ही गया था मेज बैंक को। ओ भाई साहब बहुत सारे सिक्योरिटी वाले बंदे लगा दिए इसने यहाँ पर, सही है भाई साहब आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे मेरे भाई बड़ा फास्ट है यार ये तो, अपनी जान बचाने के लिए ये रहा, ओ मिनी गन लेकर के खड़ा हुआ बंदा, अरे ले ले इसको आराम से मारूंगा, इसके बाद मारूंगा, अपने चेलों के आगे रखिए। बता भाई सिक्योरिटी जो बंदे कर रहे हैं उनको पिस्टल दे के रखी हुई है, खुद मिनी गन लेकर खड़ा हुआ है, ले बेटे ये ले बेटे आजा बेटे तू भी आजा आजा खा ले तुम सभी का मैं ऐसा इलाज कर दूंगा, ये ले बेटे तू भी ले, बहुत बढ़िया अब आजा अब आ बेटे, ये ले बेटे तू भी ले, ओ ले 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 सभी को, ओ भाई सब सारे को सारे बंदे यहीं पे आ गए मेरे को मारने के लिए,
अबे बेशर्मो थोड़ी तो शर्म कर लिया करो। और कोई है? एक दो बंदा और भी झगड़ा, खेल ले बैठे तू भी ले, खेल ले बैठे तू भी ले। बॉस कहाँ है? 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 बॉस भागा, अरे भागा भागा भागा, अरे मेरे भाई बॉस भागा भागा, भाग 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 मेरे भाई भाग, कहाँ तक जाएगा? अरे छोड़ो चेलो, तुम्हें नहीं मारना, बॉस को मारना है। अरे यार भाग ले माइकल, क्या यार बिल्कुल भी नहीं भागा जाता यार, कहाँ गया मेरा प्यारा भाई भागते भागते। ओहो देखो सामने भागे जा रहा है। अबे गाड़ी वाले तुम्हें कुछ काम धंधा नहीं है क्या, इतनी भीड़ लगा के रखी रोड पे? अरे रे 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 रे, अरे मेरे भाई भाग ना, इतनी सी सिक्योरिटी लगा दी तूने, अरे अपने आप को बचाने के लिए। खेल ले बेटे खेल ले, आया मजा आया मजा। ये ले उल्टा ही लौट गया, ये ले फिर ले, कदम कदम कदम। तो भाइयों मेज बैंक वाले बंदे को मैंने ठोक दिया है, ये भी खत्म। अभी सभी जितने बड़े बड़े बिजनेस मैन है ना शहर के, सब में खौफ हो जाएगा कि माइकल ने इतने बड़े आदमी को मार दिया तो हम क्या चीज है। अब आएगा असली मजा। तो लेस्टर से फोन करता हूँ, लेस्टर में भाई कुछ और भी है क्या करने को शहर में, जल्दी से बताइए। ये बहुत ही कमाल की बात, अभी मेरे पास निक्की का फोन आया तो निक्की को भाई धमकी दी हमारे शहर के कमिश्नर ने। अभी तो कमिश्नर आपको पता है मैंने हटा दिया था भाई कुछ दिन पहले ड्राइवर को, तो उसके बाद कोई नया कमिश्नर बना था, कुछ ज्यादा ही सिंसियर बन रहा है। तो निक्की को फोन करके बोलता है कि माइकल को समझा लो नहीं तो मैं उसको इनकाउंटर करवा दूंगा और बहुत ही बुरी तरीके से माइकल को मरवाऊंगा। देखो भाई हम नहीं कमिश्नर बना रहा, हमें ही मारने की बात करता है। तो अभी निक्की ने बोला है कि वो अपने घर पर ही है, कुछ गार्ड से उसके पास। तो निक्की बोलती है कि उसको जा करके मार दो, अगर निक्की नहीं बोलती ना मैं तब भी उसको जा करके मारता। तो भाई पुलिस को तो देख लेंगे बाद में। अभी कमिश्नर भाई जी घर पे पहुंचते हैं और उसका भी एंड करते हैं। बहुत चौड़ा हो रहा है यार, हमको मरवाना चाहता है, हमने कमिश्नर बनाया। भाई ये मैं पहुंच चुका हमारे प्यारे कमिश्नर घर पे। ओहो कितने सारे गार्ड्स लगा के रखे हैं। अबे चचा इधर देख ले, इधर इधर देख ले, इधर गाड़ियां भी है। ओ भाई साहब कहाँ है कमिश्नर, कमिश्नर कहाँ है, मुझे कमिश्नर चाहिए, कमिश्नर का मैं इलाज कर दूंगा आज, आज नहीं छोड़ूंगा उसका बिल्कुल भी। तो भाई विडो मेकर कब काम आएगी, आ जा बेटे। अरे यार ये यूजी क्यों ले लेता है माइकल, तू तेरे को पसंद है क्या यूजी? एक रुपए की गन्नी है ये, बार बार यूजी पे स्विच मार देता है। अब आएगा असली मजा, इसको कहते हैं रियल गन। हेलीकॉप्टर वालों निकल लो चुपचाप, कमिश्नर को तो मैं मार के जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, कमिश्नर नहीं बचने वाला आज। अरे ले ले बहुत सारे गार्ड्स हैं। अबे कहाँ देख रहे हो आसमान में, ओ यही था शायद से। अरे यार कमिश्नर को तो मैंने पहले ही ठोक दिया। अरे रे रे इसको तो आराम से मारता नहीं तो। ओ भाई अबे चट्टी में क्या कर रहा था कमिश्नर, वाह भाई वाह, म्यूजिक वगैरह सुन रहा था आराम से रिलैक्स होके, हमें धमकी देके तो इतना रिलैक्स कैसे हो सकता है बे? अबे कौन है बदतमीज गोली चला रहा है, शर्म नहीं आ रही? तो कमिश्नर मेरे भाई तूने ऐसा क्यों किया, मैंने तेरे को कमिश्नर बनाया ड्राइवर के बाद और तूने मुझे धोखा दिया, मेरे को मारने को कहता है पुलिस वालों को और ऊपर से धमकी भी देता है निक्की को, कहे माइकल को समझा लो नहीं तो माइकल को खत्म करवा दूंगा। वाह भाई वाह इतना बड़ा हो गया बेटे, हमसे बड़ा हो गया, कमाल है भाई। अरे पुलिस वाले मेरे भाई क्यों पंगे ले रहा है, क्यों पंगे ले रहा है, मतलब मानेगा नहीं का, निकल ले यार पतली गली से, हाथ मचा के रखी है सच में। तो भाइयों अभी फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, जो काम करना था वो कर दियो। अरे अरे गन गन निकाल, गन निकाल, गन क्यों स्विच कर दी, अरे मैं भूल गया था पुलिस वाले मेरे को फॉलो कर रहे हैं। कर लो भाई कर लो, जितना फॉलो करेंगे उतने मरने वाले। अरे इसको भाई कितनी देर में मरा है, कितनी खतरनाक वेस्ट पहन के आया था। अबे टकले टकला फोड़ दूंगा तेरा मैं, चश्मा लगाया कौन एनकाउंटर करने के लिए आता है, अबे चश्मा लगा के आ रहे, कमाल है पिक्चर देखने आ रहे हो तुम यहाँ पे। भाई कोई ऐसा पुलिस वाला नहीं जिसके चश्मा ना ऊपर, स्टाइल में रहने का, सही बोलता भाई बिल्कुल सही वाली बात है, वो सही बात है बिल्कुल, स्टाइल में रहो बाकी भाई बाद में देखी जाएगी। तो भाई ये कमाल हो गया, बेचारे चोर का फोन आया, चोर को आदत पड़ गई थी भाई ड्राइवर के लिए रोज गाड़ी लाने के लिए, तो उसने फोन किया कि माइकल भाई ड्राइवर भाई तो नहीं रहे, आप भी आकर के गाड़ी ले लीजिए, मुझे गाड़ी लाने की आदत सी पड़ गई है, अभी मैं क्या करूं, मैं एक और गाड़ी लेकर के आया हूं, ड्राइवर भाई तो नहीं है, आप आ जाइए एयरपोर्ट पे आप देख लीजिए। तो चलिए भाई हमारा प्यारा चोर अभी भी कितनी फिक्र कर रहा है। तो पहुंचते एयरपोर्ट पे, पुलिस वाले को तो गोली मैं दे दूंगा, फटाफट एयरपोर्ट पे पहुंचते और गाड़ी चेक करते हैं, अगर गोली नहीं भी दी ना पुलिस वाले भाई कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं पहुंचता हूँ एयरपोर्ट पर, ओके भाई ये मैं एयरपोर्ट पर आ चुका हूँ, चोर को मैंने भाई यहाँ से भेज दिया क्योंकि मेरे पीछे पुलिस अभी भी पड़ी हुई है, नहीं तो चोर को भी अरेस्ट कर लेगी। तो देखो भाई ODQ7 लाया आज हमारा चोर हमारे लिए। अरे मेरे भाई क्या कर क्या लोगे तुम पुलिस वालों, मेरे को स्पीड टेस्ट करनी है मैं पहले बता रहा हूँ। तो भाई स्पीड देखते हैं, पुलिस को इग्नोर मारो। तो अभी स्पीड हमारी गाड़ी की, वैसे यार Q7 है SUV कार है, ज्यादा नहीं भागने वाली, वैसे नॉर्मल ओडी होती A6 A4 या R8 होती तो ज्यादा भाग लेती, ये इतनी नहीं भागने वाली। तो फिलहाल 130 चली गई है, अभी इसका इंटीरियर देखते हैं आराम से। तो भाई यो कार का इंटीरियर बहुत ही बढ़िया है, ऊपर से 4-सीटर कार है तो आपको पता है ये 4-सीटर के तो बहुत ज्यादा फायदा है, 4-4 बंदे एक साथ जा सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। तो अभी भाई मेन रोड पे चलते हैं हाईवे पे, नहीं तो ये पुलिस वाले बहुत परेशान करते हैं। ओके भाई ये मेन रोड पे पहुंचता हूँ फिर स्पीड टेस्ट करते हैं वहाँ पे। भाई ये मैं मेन रोड पर आ चुका हूँ, अभी देखते हैं कितनी भागने वाली है। वैसे यार 130-140 या 150 लास्ट पकड़ेगी, अगर पकड़ी तो गाड़ी की उतनी स्पीड नहीं है, अगर गाड़ी की स्पीड होती है ना
तो वो एकदम से दिख जाती है, इतनी नहीं जाने वाली। तो बताओ भाई, अभी लेस्टर को कहूँ कि माइकल को बता दे सारी की सारी सच्चाई टाइम मशीन के बारे में, कि हमारा ट्रेवर वापस आ सकता है अगर हमने टाइम मशीन को यूज किया, या फिर ट्रेवर को जाने दे, जहाँ पे वो चला गया आराम करने दे उसको, क्योंकि बड़ा परेशान था। ये भी बहुत परेशान है, इसको भी भेजूंगा ट्रेवर के पास। आ जा बेटे, आ जा बेटे, तू तो खुद ही जाने वाला हो रहा है, पर तू जाएगा नहीं, मैं तेरे को भेजूंगा। खत्म, तू भी ले बेटे, जाने की जल्दी थी ना, पहुंच, तू भी जा, ट्रेवर इंतजार कर रहा है। तो बताओ मेरे भाइयों, अरे रे रे मान जा भाई, मान जा। तो भाइयों बता रहा जरूर कि अभी क्या करा जाए, ट्रेवर भाई को लाए ना लाए। वैसे मुझे लगता है जाने दो यार ट्रेवर भाई को, आराम करने दो, काफी दिन हो गए, उनको रेस्ट करना चाहिए, बेचारे थक गए थे माई के लिए काम करते करते। बाकी देखते हैं भाई, कल के क्या भरोसा, कल क्या हमें जरूरत पड़ जाए, ड्राइवर को लाना पड़ जाए ना लाना पड़ जाए, वो अलग चीज है, वो बाद में देख लेंगे। फिलहाल गाड़ी गए, कोई स्पीड नहीं है। अबे पुलिस वाले भाई, क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा, 3-4 बंदे मारे, कमिश्नर मारा, मेस बैंक का बंदा मारा, और मैंने किया ही क्या है भाई, कमाल करते हो। बताना जरूर भाई कमेंट करके, आपको Q7 कैसी लगी, ड्राइवर के साथ क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो भाई नहीं बचाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बार बार अगर हम पास्ट को चेंज करते रहेंगे ना, तो भाई इसी में रह जाएंगे, फिर उसको घुमा के वहीं ले आएंगे, तो मज़ा नहीं आता यार पास्ट को चेंज करना। मैं सोच रहा हूँ कम कर दूँ, फिर वही बार मज़ा ख़राब हो जाता है, ड्राइवर आ जाएगा, पास्ट चेंज हो जाएगा, सारी सिचुएशन चेंज हो जाएगी, समझ रहे हो, फिर दोबारा से मिस्टर हेट भी जिंदा बच जाएगा, वो सब बदल जाएगा। मेरे हिसाब से तो ये जो मैंने किया ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रेजेंट बन के भाई मैं खुद बोर हो गया था, कुछ हो ही नहीं पा रहा था। गैंगस्टर बन के नाम कुछ भी कर सकते हैं, सब पूरे शहर को सीधा कर देंगे, मेरे हिसाब से तो गैंगस्टर बनना बिल्कुल सही लगा। आगे आप लोग बताना। तो भाइयों अगर आप चैनल पे नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करके उस बेल पे सेट कर दो। भाइयों अगर अभी तक आपने मेरे फर्स्ट चैनल को चेकआउट नहीं किया तो जाकर उसको चेकआउट कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, मैं GT5 की वीडियो डालता हूं, और सुबह 11 बजे पार्ट उसी पर आने वाला है, जाकर चेकआउट कर लो, नहीं तो आपको नेक्स्ट पार्ट मिस हो जाएगा। भाइयों अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पे फॉलो नहीं किया, उस पर भी फॉलो कर लो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।